जी, अपशब्द, दुराचरण, दुर्व्यवहार कभी भी भाजपा में स्वीकृति नहीं पा सकता। तो अगर किसी व्यक्ति ने गलत शब्दों का इस्तेमाल करा है तो संगठन उन शब्दों के बारे में एतराज़ करती है, और संगठन कभी भी उन शब्दों के साथ हो ही नहीं सकती। मेरा प्रश्न कुछ और है। मैं आपको एक दो चीज़ें जो आपके पास माध्यम से सामने रखना चाहता हूँ। देखिए क्या हुआ है, अब दिल्ली में उल्टा हो रहा है। बार बार पुलिस पे आक्रमण करना, बार बार पुलिस को ये कहना कि ये पक्षपात कर रही है, उसके चक्कर में दिल्ली पुलिस ही अब जो है दबाव में आ गई है। दो उदाहरण लीजिए आप, सुरेंद्र सिंह कमांडो का, वो पीटते हैं सरेआम कर्मचारियों को एनडीएमसी के, केस रजिस्टर होता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन में आते नहीं है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। अलका लांबा जी की शिकायत पे आप दूसरे व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लेते हैं, और जहां सीसीटीवी की फुटेज सबके सामने दिख रही है वहां पे अभी तक अलका लांबा को गिरफ्तार नहीं करा गया है। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दिल्ली पुलिस इनके आक्रमण के इतने दबाव में आ गई है कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई करने में दिल्ली पुलिस घबरा रही है। मुझे लगता है ये स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पे इस समय एक अराजकता का और इस समय गुंडाई का माहौल बनता जा रहा है। अब मैं आपको मुख्यमंत्री के आचरण की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, इनको क्या कहते हैं अलका जी को? मैं आपके बारे में गौरवान्वित, मतलब मैं आपको गौरवान्वित करता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। गुंडाई करने के लिए अगर मुख्यमंत्री जी अपने विधायक के लिए गर्वसार महसूस कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है क्या? दिल्ली के लिए एक काला दिन है कि जहां मुख्यमंत्री अपने विधायक को लाइसेंस बांट रहे हैं कि आप गुंडाई करिए, तोड़फोड़ करिए। मैं सीधी सी बात पूछना चाहता हूं, कोई भी जना आ जाए, क्या किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का हक है या नहीं है? जहां तक तो मुझे पता है, जितना मैं कानून समझता हूं, जितना मैं एक सभ्य समाज को समझता हूं, सभ्य समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का हक ठीक ही नहीं है। अच्छा, सीसीटीवी की फुटेज जो है उसको आप कैसे नकार देंगे? भाजपा ये कर रही है, कोई इल्जाम लगाते थे, ये फुटेज को आप कैसे नकारेंगे? ठीक जहां पे वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन को तोड़ती हुई दिख रही है, उसको कैसे आप नकार देंगे? ठीक मैं कहता हूं, वो कहती है मुझे चोट लग गई थी, पत्थर लग गया, लग सर गया जी, होगा। मैं कुछ और भी कहना क्या चाहती उसके हूँ। बाद आपको कानून में यह हक है? नहीं है। ठीक, दो मैं दो एक दो दो आखिरी दो चीज, दो एक दो आखिरी चीज कह दूं, जी रोहित जी, बोलिए। एक आखिरी चीज ये कहता हूं। मैंने एक पिक्चर देखी थी शोले, उसमें एक किरदार था अमिताभ बच्चन का, जय जय और वीरू का था। वो जय क्या करते हैं, वीरू की हर बुराई को इतना गौरवान्वित करते हैं, अरे वो अगर कोठे पर जाते हैं तो भले आदमी है, वो जो है दारू पीते हैं तो बहुत भले आदमी है, वो नाचने का नहीं। तो ये जो है हिंदुस्तान की राजनीति के इस समय अरविंद केजरीवाल जो है शोले फिल्म के जय बनते जा रहे हैं। ठीक इनके हर विधायक के खिलाफ संगीन मामले हैं, और हर संगीन मामले की तरफदारी वो कर रहे हैं, ठीक उसकी हिमायत वो कर रहे हैं, और ठीक उनको गौरवान्वित कर रहे हैं। चलिए, ये दो शर्मसार दो है, कमेंट्स हैं आपके लिए, शर्मनाक चीज है, आपकी बात और पर दो कमेंट्स हैं सर, इसको दो कमेंट्स हैं। जी एक, आलोक की जी सजा किसे दे रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण सुधांशु आलोक जी, जी, आप हम लोग माने आपके विषय से छात्र भटक नेता जा भी रहे रहे हैं। हैं और आपने भी राजनीति लगातार आप भी करते रहे हैं, ठीक क्या ये भाषा बोलेंगे कि स्ट्रेचर पर हम भेज देंगे, मतलब सड़क पर निपट लीजिए? ठीक फिर तो बिहार यूपी से बदतर स्थिति दिल्ली में होगी रोज। आलोक रोहित जी, जी, क्या हम मैं लोग भी उस अपनी चीज बात को कह ज्यादा सकती हूँ? तूल देके क्या होगा, मुख्य विषय से निकल जाएंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति, एक चुना हुआ विधायक, एक किसी की दुकान में घुस के तोड़फोड़ करता है, वो ठीक मुख्य है। मुद्दा वो है। आप प्रतिक्रियाओं पे अगर जाके एक गलत प्रतिक्रिया को अगर मैं मुख्य मुद्दा बनाएंगे तो शायद जो चुने मुख्य हुए मुद्दा विधायक का नहीं, हम सर दुराचरण बिहार है, की बात कर रहे हैं, हम लोग साथ ही मुद्दे से जुड़ा हुआ भटक मुद्दा जाएंगे, है, हम लोग उस मुद्दे पे रह गए उस हैं। मुद्दे पर आप हेलो जी रोहित जी, जी जी दो चीजें, मेरे बहन बड़ा गंभीरता से और बड़े उससे सुना, उसमें दो अंश हैं। एक तो है जो वो ये कह रहे हैं कि अलका लांबा जी जो है वो ड्रग एडिक्ट हैं। अब इसका सत्य क्या है, तथ्य क्या है, इसके बारे में मेरे के लिए टिप्पणी करना
संभव ही नहीं है क्योंकि मैं नहीं जानता, और अगर वो कह रहे हैं तो उनकी कोई जानकारी होगी वो कौन। दूसरा, आक्रोश में उन्होंने कुछ कहा, लेकिन अगर आपने जो सुना हो उन्होंने क्या कहा है कि अगर मैं यहाँ होता और जब इनके गुंडे आते तो उन गुंडों का हम लोग मुकाबला करते। आत्मरक्षा में किसी भी गुंडे का मुकाबला करना मुझे तो मुझे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत वो है, लेकिन मुझे तब भी मानना है कि इस समय तेवर में बात करने की जगह जो इस समय आम आदमी पार्टी के विधायक ने जो कार्य करा है उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हो, हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उनको भी, ओपी शर्मा जी को भी इस समय जो है पुलिस पे दबाव बनाना चाहिए कि जब सीसीटीवी के फुटेज में साफ स्पष्ट हो गया कि उन्होंने जो है वहां पे तोड़ फोड़ करी, कानून अपने हाथ में लिया, तो उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसके बारे में दवा बनाना चाहिए। मैं अनुराग जी की बात से इतना शुभ हूं कि मैं आपको उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। अनुराग जी, आप शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं मुझे लगता नहीं आप सोच समझ के बोलते हैं। आपने कहा कि हमारी और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती चल रही है, नूरा कुश्ती का मतलब समझते हैं आप क्या? आप बोलने से पहले सोचा तो करिए आप बोल क्या रहे। इतना गंभीर मामले को आप ऐसे छिचोरे पने में उड़ा देंगे कि नूरा कुश्ती है? अच्छा, इसमें क्या नूरा कुश्ती है भाई? सर, आपके नेता ने एक, जो शब्द एक, इस्तेमाल किए वो शब्द थे आचरण। नूरा कुश्ती होती है? नूरा कुश्ती का मतलब होता है दिखावा, उसी भाषा में बात करेंगे तब कर लीजिए। जो ओम प्रकाश शर्मा ने जो कहा उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो अलग चीज है। नूरा कुश्ती सर, जो अनुराग ने कहा मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, मैं स्टैंड करता हूँ अपने रिपोर्टर के साथ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आप लोग अपने राजनीतिक स्कोर करने के लिए दिल्ली की जनता को झोंक दे रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी को आपको नीचा दिखाने से फुर्सत नहीं है, आपको आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने से फुर्सत नहीं है। अच्छा, ये नूरा कुश्ती क्या है इसमें? सर, यही होती है नूरा कुश्ती। अब आपको नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सुधांशु जी, यही होती है नूरा कुश्ती। आपको नहीं मालूम तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? ओम प्रकाश शर्मा ने क्या करा वो एक अलग चीज है, इसमें इसमें नूरा कुश्ती क्या हुई? आपको उनके विधायिका के आचरण के खिलाफ बात होनी चाहिए, उसकी जगह आप करें नूरा कुश्ती। आपके विधायक के आचरण के खिलाफ हो तो नूरा कुश्ती। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको भी नूरा कुश्ती नजर आएगी। रागिनी, ये अहम का द्वंद, अहम बोलिए, रागिनी बोलिए। विधायक के आचरण के खिलाफ बात हो तो नूरा कुश्ती शब्द पे आपत्ति है। अनुराग, रुक जाइए, मुख्य मुद्दा भी सुन लीजिए। मुख्य मुद्दा ये है, मुख्य मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी का आचरण, अभी आपने सुना महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के लिए जो काम हो रहा है। अरे कुमार विश्वास, अगर आपके आदर्श है महिलाओं की इज्जत करने के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सोमनाथ भारती, आपके अगर आदर्श है महिलाओं के बारे में सम्मान रखने के तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिस पार्टी का, जिसकी सोच का, जिसकी संस्कृति का ये उदाहरण हो, उसके बाद वो बार बार। अरे लेकिन सुधांशु जी, आप भी तो एक अलग उदाहरण स्थापित करिए। आप तो ये कि आप ये क्या, साबित क्या, करने पर तुले हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 MLO में से 1 MLA ने जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो ठीक है। आप देखिए कि बड़े परिपेक्ष में अगर आप समझेंगे सुधांशु जी, तो आपको नूरा कुश्ती भी नजर आएगी, आपको अहम का द्वंद और टकराव भी नजर आएगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ ताली दो हाथों से बज रही है। आप दोनों में से कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है और दिल्ली की जनता मिस कर हंगामा करके अपने विधायक के जो बात है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और करे सो डंडा बाजे, आचरण उसको छुपाने की कोशिश आप कर रहे हैं। जिसका काम था वो नहीं, उसने नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर ये काम कर ले। एक काम कर ले रागिनी, सुधांशु जी, झगड़िए मत, झगड़िए मत, झगड़िए मत, प्लीज झगड़िए मत, प्लीज दोनों झगड़िए मत, प्लीज दोनों झगड़िए मत। उस समझ की बात करिए, सुन लीजिए ना सारे। सर, सोच समझ के आपके विधायक को बोलना चाहिए था, अब यहाँ पर आप गुस्सा कर रहे हैं। डांटिए उनको, सुधांशु जी, डांटिए अपने विधायक को, ना कि देश की जनता को। प्लीज, जो सवाल उठा रहे हैं उनका काम है सवाल उठाना। आलोक जी, नूरा कुश्ती शब्द या तो सुधांशु जी समझते नहीं है, या फिर इसकी आड़ में अपने विधायक की बात को रखना चाहिए। बात हो गई विधायक में, प्लीज झगड़िए मत, कोई इत्तेफाक नहीं। प्लीज 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 कांग्रेस भी
भी दिग्विजय सिंह के 90% बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन सुधांशु मित्तल आप हर दिन दिग्विजय सिंह के बयानों पर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए रुक जाइए थोड़ा सा प्लीज। आलोक जी बोलिए, उनको नूरा कुश्ती का मतलब बता दीजिए। आपने जो कहा उसी बात में, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखिए आलोक जी बता रहे हैं नूरा कुश्ती का मतलब क्या होता है, मुझसे नहीं समझते तो इनसे समझ लीजिए।